नेवासा तालुक्यातील सलबतपूर येथे स्वर्गीय सलीमभाई पटेल यांच्या स्मरणार्थ क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। या स्पर्धेच्या उद्घाटनाप्रसंगी नेवासा पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी IPS अभिनव त्यागी पुढे बोलताना म्हणाले की अभ्यासात व खेळात सातत्य महत्त्वाचे असते। ज्यावेळी आपण आपल्या कामात जिद्द व चिकाटी ठेवून काम कराल त्यावेळी आपण नक्कीच यशस्वी व्हाल याची मला खात्री आहे। त्यामुळे काम कोणतेही असो त्यात सातत्य महत्त्वाचे असते। तत्पूर्वी स्पर्धेच्या उद्घाटनाप्रसंगी स्वर्गीय सलीमभाई पटेल यांच्या स्मरणार्थ गावकरी चषक या क्रिकेट स्पर्धेच्या चषकाचे अनावरण त्यागी यांच्या हस्ते करण्यात आले। तसेच क्रिकेट स्पर्धेचे उद्घाटन IPS अधिकारी त्यागी यांनी स्वतः बॅटिंग करून केले। आयोजक असित पटेल, असत पटेल, बबलू पटेल, भाऊराव नगरे, कैलास निकम यांनी उद्घाटनाप्रसंगी त्यागी साहेब उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचा सत्कार। गावकरी चषक 2 डिसेंबर ते 6 डिसेंबर पर्यंत क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून प्रथम पारितोषिक मिळवणाऱ्या संघाला 1 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक विजेत्या संघाला 50,000, तृतीय संघास 30,000, चतुर्थ विजेत्यास 20,000 तसेच विविध पारितोषिके देण्यात येणार आहेत। काबिल समझा कि मैं आके इसको उद्घाटन करूं। इस कोरोना के टाइम में हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, पूरा जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ऐसे टाइम में ये उन्हें इतना आसान नहीं है। उसके अलावा जितने भी लोग MPSC, UPSC या क्रिकेट भी खेलते हैं तो उन सबका जो सीक्रेट है वो एक ही है, एक अगर बैट्समैन को एक अच्छा बैट्समैन बनना होता है तो बहुत सारी गेंदें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, उसको एक ही शॉट बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। UPSC MPSC के लिए ये है कि एक किताब आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, उसके आपको 10 बार 12 बार, जैसे सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव हजारों बार प्रैक्टिस करी, वैसी एक किताब हमें 10-15 बार पढ़ के उसका सारा सार जब तक हमें नहीं याद होगा तब तक वो किताब हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। तो सबका जितने भी लोग मेहनत MPSC की तैयारी करना चाहते हैं मैं ये कहूँगा कि अपनी किताबें कम करिए लेकिन उन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए। जितने ज़्यादा बार वो किताबें पढ़ेंगे उतने ज़्यादा अच्छी तरह उसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी होंगी, अगर देखा जाए तो 15-20 किताबें, लेकिन उन 15-20 किताबों को 10-15 बार पढ़ा और लगता है आसान लगता है लेकिन यही चीज़ सबसे मुश्किल होती है। नई नई किताबें पढ़ना बहुत आसान है लेकिन एक ही किताब को बार बार पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है। और लेकिन सब सीक्रेट यही है, जितने भी टॉपर होंगे वो यही सीक्रेट आपको बताएंगे कि ज़्यादा किताब पढ़ने की जगह एक किताब को बार बार पढ़िए। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, जैसे एक दिन पढ़कर एक दिन खेलकर कोई बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाता, बहुत अच्छा बॉलर नहीं बन पाता, उसी प्रकार एक दिन पढ़कर कोई महान नहीं बन सकता। तो आपको महीनों सालों लगातार रोज उठकर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि जो मेहनत करता रहता है उसको सक्सेस जरूर मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने अपना मेहनत करती रही लेकिन सक्सेस नहीं मिली। तो एक आध हो सकता है कि छोटी मोटी आपको परीक्षा पास नहीं कर पाए लेकिन एट द एंड ऑफ डे अंत में पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। चषकाचं आयोजन या ठिकाणी समस्त गावकरी आणि पटेल परिवाराने केलं। खेळ हा शब्द इतका सुंदर महत्त्वाचा आहे जीवनात। खेळ या शब्दामध्ये शरीराची पूर्णतः निरोगी तत्वाकडे वाटचाल राहते। शास्त्रीय प्रक्रियेमध्ये भगवंताने सुद्धा आपले जे सवंगडी बरोबर होते व्यापारी युगामध्ये कृष्ण परमात्म्याने जी आपली मंडळी लहान लहान मुलाजवळ घेतली होती ती सर्व मंडळी खेळायचं काम करायची। खेळ एक एक प्रकारचा होतो, तो लगोरी, हमामा आणि भगवान गोपाल कृष्णाने साहेब काढलेला खेळ आहे चेंडू फळी। इंग्लंडच्या लोकांनी राज्य करून ते नलन तिकडं ते प्रस्थापित केलं, ते खेळायला लागले म्हणून त्यांचं नाव झालं। तसा खेळ आपला भारतीय खेळ आहे चेंडू फळी आणि तो MZ News करिता मंगेश निकम नेवासा।